अब बात करेंगे केरल में कुदरत के क्रोध की। वायनाड में विशाल लीला हुई है। हम तबाही के इस मंजर की बात कर रहे हैं जिसे देखकर हर कोई दहल उठा। हम आपको केरल में आई लैंडस्लाइड की अपडेट दे रहे हैं। वायनाड में इस लैंडस्लाइड की वजह से मरने वालों की संख्या अब 156 हो चुकी है, जिसमें अभी भी लापता लोगों की संख्या 100 से ऊपर है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन के दूसरा दिन है। आर्मी, एयरफोर्स, NDRF, पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्पेशल डॉग स्क्वाड लगातार रेस्क्यू में जुटी पड़ी है और इन सब के बीच आज भी वायनाड में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इससे साफ मालूम पड़ता है कि रेस्क्यू में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। अब तो मलबा शवों को उबाल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। यहाँ तक कि आर्मी की सहायता लेनी पड़ी है जो लोग मलबे के अंदर दबे हैं उनकी जानकारी मिल सके। खुद की और अपनी ही जान बचाने के लिए लोग लगे हुए हैं। मंगलवार को भीषण लैंडस्लाइड की वजह से बहुत लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया है। वहीं दर्जनों लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। भूस्खलन में अभी तक 156 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से मिलने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सूत्रों से हमें यह पता चला है कि राहत कर्मियों को पानी में से लोगों के अंग मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी ये बताना मुश्किल है कि जो अंग मिल रहे हैं वे किसी एक व्यक्ति के हैं या अलग अलग व्यक्तियों के। रेस्क्यू टीम फंसे हुए लोगों को निकालने में पूरी मेहनत कर रही है, पर अब भी मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे कीचड़ और बालों की परत को हटाया जा रहा है, मृतकों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। आपको बता दें कि वही केरल है जो खूबसूरती के लिए दुनिया भर में सिद्ध है, पर अब केरल में त्राहिमाम मचा हुआ है। वायनाड में तो जहाँ तक नज़र आ रहा है वहाँ सिर्फ बेबसी और तबाही नजर आई है। अभी की रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।